दुपट्टा उड़ो मैं भाई हूँ तुम्हारा, ख्याल करो। चुप, हट जा, सर पे लो। मैं लड़ने के मूड में नहीं, उसको बोल दो। मैं लड़ पूरा रही है। मैं बोल यार, नहीं आप क्यों बीच में आ रहे हो? मेरे को उस पर गुस्सा आ रहा। चलो बनाओ बनाओ। क्या वो बोलो, उसको बोल दो मैं लड़ने के मूड में नहीं। अच्छा बोल। याद करा है E for apple, और हमारे घर का खूबसूरत बच्चा है जू। पत्ता होता है, पे से पराठा। A for apple, और अब हम करेंगे नाश्ता। A for apple। Hey guys, Assalamualaikum। तो भाई अभी तक मेरे व्लॉग्स नहीं डले और मैं डेली व्लॉग्स बनाए जा रही हूँ। तो इस व्लॉग को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेगा। आज का व्लॉग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जोहान की पढ़ाई आज से स्टार्ट हो गई है। पहला दिन था इनका। आज जोहान के ट्यूशन का फर्स्ट डे था। आज जोहान ने पढ़ा A for एप्पल। आओ लिखो जरा, कल से नहीं पढ़ेगा इसका नाश्ता। A for एप्पल लिखो जरा जल्दी। ये सारे खाने फिल करेंगे। पकड़ो, ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे, गुड। अब लिखो A, एक है A। तो आज नाश्ते में शुक्र अल्लाह का, लाख लाख शुक्र है, हमारे घर के पराठे। ओलो मैंने पढ़ लिया। एप्पल बोलो। A for apple। ज्यादा मत बोलो, B for beautiful है। A for, चलो भाई इसकी पढ़ाई तो हो गई, हम करेंगे नाश्ता और नाश्ते के बाद मिलते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता था कि मैं व्लॉग नहीं बना रही थी, बट मैंने आज व्लॉग की सुबह ही सुबह स्टार्टिंग कर दी थी, लेकिन फिर आज मेरा गेम शो था तो मैं वहाँ चली गई थी। मेरी सारी रूटीन वहीं पर थी तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया। लेकिन मैं आप लोग को ये बता दूं कि मैंने सोचा कि भाई यूट्यूब चल गया है, आज मेरा एक व्लॉग अपलोड हो गया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज आप लोगों को अपनी शूज़ कलेक्शन दिखा दूँ और थोड़ी बहुत घर की रूटीन दिखा दूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा बहुत, लोग बोलते भाई अगर आपने नहीं बनाया कोई बात नहीं, लेकिन आप थोड़ा बहुत दिखा दें घर का, आप पूरा ना दिखाएं लेकिन आप थोड़ा बहुत दिखा दें। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा बहुत दिखा दूं, ताकि बीच में कोई रूटीन नहीं थी, बोल चली गई थी। आयत पता है मेरे क्या काम कर रही है, ये देखें मेरी बच्ची माशाल्लाह से मेरे सारे गंदे गंदे से जूते ला के यहाँ रख रही है। कोई अच्छे जूते नहीं है मेरे पास, आप लोगों की तरह नॉर्मल ही हैं, लेकिन मैंने सोचा जो नॉर्मल भी है क्यों ना वो भी दिखा दूँ। तो इस व्लॉग को लाइक कर लेगा भाई, मेहनत होती है मेहनत। क्यों काम गया? क्या हुआ, पेपर की तैयारी की? हाँ, सुना के आई हूँ फ्यूचर वाली को, अब मंडे को है फिजिक्स का। मंडे को है फिजिक्स का, सही सही सही। तो कैसी तैयारी फिजिक्स की? अल्लाह इज मालिक, अच्छी तैयारी है। अच्छी तैयारी है। आज का पेपर कैसा हुआ था? एक व्लॉग नहीं किया, मुझे चप्पल उड़ती आई, फ्लाइंग चप्पल। हाँ वो तो मेरे सामने आई थी, पर मैंने व्लॉग नहीं बनाया। अम्मा ने ऐसी मस्त फ्लाइंग चप्पल मारी ना। खैर तो हम चलते हैं जूतों की तरफ। क्या कह रही हो, क्या कह रही हो बोलो? अगर मैं ये काम बाहर करूँ ना, मुझे रोज के अंदर 3-4 हज़ार रुपये कमाओ। कितने कमाओ? 3-4 हज़ार, और 3-4 दफ़ा केएफसी खा सकती हूँ। भाई अभी केएफसी खिलाई थी आप। कल मुझे भाई ने बोला मेरे गद्दे के नीचे ना पता नहीं क्या आ गया, उसको साफ करो मैं तुम्हें 110 रुपये दूंगा। मैंने साफ भी कर दिया इतनी पाकर। कलेक्शन लगा दी है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी बारी बारी। मैं कोई इतनी अमीर और इतनी हाई फाई नहीं हूँ, बस नॉर्मल चप्पलें हैं मेरे पास और नॉर्मल शूज़ हैं, और आप लोगों की तरह ही हैं। जब अमीर हो जाऊँगी तो शायद बहुत अच्छे अच्छे जूते भी पहनूँ, लेकिन अभी मेरी, मैं यही वाले जूते पहन सकती हूँ। तो सबसे पहले अच्छा, जो मेरे पुराने थोड़े बहुत थे ना, वो बहुत गंदी हालत में थे, वो मैंने फिर हटा दिए। ये मेरी सैंडल थी और ये मैंने ली थी, बट इसके नाक वगैरह निकल गए, लेकिन ये मेरी, मगर ये इंस्टाग्राम पे कितना चल रही है। हाँ, बट ये मेरी फेवरेट है, क्योंकि ये इसलिए फेवरेट है क्योंकि जो इसका कंट्रास्ट है वो सिल्वर और ट्रांसपेरेंट है, तो सिल्वर मुझे लगता है हर कपड़ों पे चल जाता है ट्रांसपेरेंट के साथ। इसकी आप लोग हालत देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी, लेकिन फिर भी
अंगूठी ने आ गए उसके बाबा तो वाला ये वाली तो अब आप लोग समझ लें मेरी और चप्पल है ठीक है। अब इसके बाद मैं अपनी फेवरेट चप्पल एक और बताती हूँ। ये मेरी फेवरेट चप्पल है। अच्छा इस चप्पल में तो आप लोग बताओ लोगों ने मेरे आगे हाथ जोड़ लिए थे, अल्लाह का वास्ता है हाथ जोड़ रहे हैं, ये चप्पल बस कर दो। ये भी मेरी फेवरेट है क्योंकि ये हर कपड़ों के साथ चले या ना चले लेकिन ये कंफर्टेबल बहुत है। और ज़्यादातर मैं हील्स पहननी, पहले मैंने बहुत हील्स पहनी है, बहुत हील्स पहनी है जिनमें से मैं आपको अपनी हील्स अगर दिखाऊँ ना, अभी मैं दिखाती भी हूँ, वो वाली हील्स मैंने पहनी है बट अब मैं नहीं पहन पाती हूँ क्योंकि मैं गिरती इतना हूँ, मैं क्या करूँ। खैर अच्छा जी तो आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने ये वाली जो चप्पल थी ना ये मैंने अलमास से ली थी। ये बहुत कंफर्टेबल है और बहुत अच्छी है तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और अब मैं इसकी जगह पे ये वाली पहनती हूँ। तो उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने इन इसको क्या बोलेंगे, ये भी मैंने लिए थे अलमास से और ये भी बहुत अच्छे और ज़्यादा कम्फर्टेबल है मुझे ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं ये वाली चप्पलों पर। ये चप्पल की हालत इतनी बुरी हो गई है, ये भी मैंने अलमास से ली थी और ये 2500 की चप्पल थी, ये मुझे 50% ऑफ के बाद मिली है लेकिन खैर सेल में थी। ओलो बकरी के पाँव लग रहे तो हम अस्तगफिरुल्लाह डर नहीं लग रहा गिरने का डर नहीं लग रहा नहीं। ये डर नहीं लग रहा कि हील टूट जाएगी एक हील पर दो गिरोगे उतार दो जगह पे रखो। इतनी अच्छी ऑफ लगी हुई थी ये भी मुझे 1000 रुपए की मिली थी। खैर I am luckiest. Okay. अच्छा ये वाली भी मैंने अलमास से ली थी, मुझे इतनी पीछे पसंद आई थी, इतनी ये चप्पल मुझे धार दोगी तुम? धार दोगी एक दिन के लिए? क्यों? सोच ले मैं भी ऐसे चप्पल उठाऊंगी ना कि जिससे मुंह पे चक जाए। ये भी मुझे इतनी पसंद आई थी, ये भी ट्रांसपेरेंट है तो ये हर कपड़ों के साथ चलेगी। लेकिन आप लोग को एक बात बताऊं, इससे पता चल और ये मुझे एक नंबर छोटा है बट ये टाइट है, ये लूज हो ही जाएगा। ये तो एकदम और ये मैंने ली थी मेरे ख्याल से 3000 की, ये डिस्काउंट पे नहीं थी बट मुझे पसंद आ गई थी तो मैंने ले ली थी। ये जूते मोस्ट फेवरेट, ये भी पसंद है और ये भी अलमास के। अब आप लोग कहेंगे कि मैं सारी का लक्षण रखती हूँ अलमास से, लेकिन बिल्कुल भी नहीं ऐसा है। ये जितने भी हैं ये अलमास से नहीं है, ये टीए से लिए, ये टीए से लिए हैं, ये सब टीए से लिए हैं, ये भी टीए से लिए हैं, ये भी टीए से लिए हैं, जितने भी से लिए थे वो मेरे ये थे क्योंकि ये मेरे हर पैंट थे। क्यों ये मेरा इतना दिल टूट गया, इतना दिल टूट गया, मैंने मम्मा को बोला सिलेंसर पे पाँव रख दिया, लग जाएगा सिलेंसर, कौन सा सिलेंसर पे, और टूट गया, इतना दिल टूट गया कि मैंने मम्मा को बोला कि कुछ भी करे मुझे इसका नया जूता ला के दे अगर ये नहीं मिला, क्योंकि ये मेरी हर पैंट शर्ट पे चलता है और ये मेरा बहुत फेवरेट है। जूतों में जंजीरें लगाई हुई है किसी काम की तो है ना। उसके बाद मैं आप लोग को बताती हूँ मेरे वो वाले जूते, वो भी मेरे अलमास के जूते हैं और वो भी मुझे बहुत पसंद है। और उसके बराबर में पता नहीं किसके जूते थे वो मैं ले मेरे जूते एकदम आया जैसे शक्ल के। अच्छा इधर दिखाओ वो वाले ब्लैक वाले जूते, इधर ये तो तुमने बहुत रगड़े। ये आप लोग को बताऊंगी मैंने इतने रगड़े आए थे, जूते नहीं रख रही थी बट मैंने कहा ये रखो, अब इतने रगड़े आप इससे अंदाजा लगाएं कि इन जूतों का क्या हाल हो गया। बहुत रगड़े बहुत। ये जूते मुझे इतने पसंद थे, पहले आप ही ने पहने फिर मैंने फिर फारज़ भाई ने पहने, आप ही पहने थे ना, आप ही मानते झूठे तारे पिक्चर से काट। ये हील्स आप मैं बताती मेरे पीआर की कौन से आई, ये हील्स मुझे पीआर से, ये पीआर है, ये पीआर है, ये पीआर है, वो पीआर है और ये खुद से पीआर है, वो पीआर दो नाल नाल ठीक है, ये किसी का पीआर है ना, वो वाले पीआर वाले दो का ये पीआर है। अच्छा ये वाली चप्पल भी मेरी बहुत ही ज्यादा फेवरेट है, क्योंकि ये हर कपड़ों के साथ चलती है भाई, जो चप्पल हर कपड़ों के साथ चलती है ना वो फेवरेट हो जाती है। और अब बताती हूँ ये वाली चप्पल, ये चप्पल हर कपड़ों के साथ नहीं चलती लेकिन जिस कपड़े पे मैं पहन लूँ ये चप्पल, ओ माय गॉड ये इतनी हसीन लगती है, इतनी हसीन कि मैं असल में पता है मसला क्या है, मसला बताऊँ क्या है इस चप्पल की खूबसूरती का राज, ये है नाजुक सी चप्पल, आप ही के एक तो गोरे पैर ऊपर से मोटे पैर तो इसमें अलग से ही दिखते हैं। और पैर खींच लो आप ही का हो गया हाँ तो दिखाओ पैर मोटे नहीं है आप ही, इसलिए तुमने केले के अंदर क्यों पीनट जलवाए अच्छा नहीं लग रहा आपने पूरा तो पी लिया। अच्छा और मैं पी लेती हूँ बहुत सारे लोगों ने। और प्यार क्या है,
बता रही ना, ये पीआर था, एक मिनट देखो, ये वाला पीआर था, ये वाला पीआर था, ये वाला पीआर था। साफ किए जो तुमने काली के ऊपर ब्लू रख दिए। पीआर था, ठीक है। प्लीज आयत ने बहुत मेहनत करी, कभी इतनी अपनी शक्ल भी नहीं चमकाई। और मेरे पास जो है ना अभी भी, अच्छा वो जो कोने वाला, चलो पीछे होके बैठो तुम, चलो। मैंने किससे लिया था वो याद नहीं, वो किससे लिया था। और ये वाली हील्स मैंने ली थी स्टाइलो, नहीं किससे ली थी मैंने, ये है तुम्हारे कलेक्शन उज्मा, उज्मा सही बोली, यू लिखा हुआ पहले उज्मा। अच्छा ये भी उज्मा की है, ये भी उज्मा की है, और वो बराबर वाली भी उज्मा की है। अच्छा ज्यादातर मेरे जूते रीगल से आते हैं, उज्मा से आते हैं और अलमास से आते हैं, क्योंकि वहाँ की जो शूज कलेक्शन है ना वो बहुत ही प्रमोशन कर रही है। तो बताओ मेरे पास अभी भी जो है ना बहुत सारे जूते, लेकिन वो जूते इतने गंदे हो गए, इतने गंदे हो गए, अगर आयत जितनी मेहनत इसने इन जूतों को चमकाने, जितने आयत ने इस पे चमकाने में मेहनत करी, अगर अपने मुंह पे करती तो कितनी प्यारी होती आज। खैर आज का जो शूज कलेक्शन था ना वो यही था। आज लड़ने के मूड में नहीं हूं। माय शूज कलेक्शन इज दिस। मैं कोई इतनी अमीर, इतनी हाई फाई नहीं हूँ, मेरे पास कोई दुबई का ब्रांड नहीं है, ना ही कोई न्यूयॉर्क का है, ना कोई फ्रांस का है, कुछ भी नहीं है, सब लुंडा। अच्छा लुंडा भी है मेरे पास, लेकिन वो जो है वो इतनी गंदी हालत हो गई, वो मैं पहनती नहीं हूँ अब, जो पहनती हूँ सिर्फ यही पहनती हूँ, और जो पहनती हूँ वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। यही पहनती हूँ, इनमें से कितने सारे साड़ लेते साफ करवाए, अभी वो साफ करवाते हैं, भी आया का ब्लॉग नीचे है बहुत सारे, अभी तो इतना सारा नीचे भी है, लेकिन पता है क्या वो मेरे किसी काम के नहीं है पूरा। इतना मत समेटो इसको ना, ऐसे कट लिया करो ज्यादा से ज्यादा, तो मुंडो तुम पे ज्यादा अच्छा लगेगा, मैं तो मर दूं तुम औरत हो, दुपट्टा ओढ़ो, मैं भाई हूं, मैं ख्याल करो, चुप हटो ना सर पे लो, मैं लड़ने के मूड में नहीं, उसको बोल दो मैं लड़ पूरा रही है, मैं बोल यार नहीं तू नहीं लड़ना, मेरे को उस पर गुस्सा आया। चलो अब बनाओ मेरा क्या हुआ बोलो, इसको बोल दो मैं लड़ने के मूड में नहीं। अच्छा बोलो तो क्या हुआ, मैं बोल रही हूँ कि अगर मेरे कपड़ों की सर पे दुपट्टा नहीं लूंगी, लेकिन मैं नया सूट फाड़ दिया ईद का, कोई नहीं फाड़ा, मम्मा ने कहा मैं तुम्हारे लिए, मैंने कहा मम्मा मेरे पास घर में पहनने के कपड़े नहीं है, ये बात काट रहा है, इसको बोलो चुप हो जाए, मैंने कहा मम्मा मेरे पास घर में पहनने के कपड़े नहीं, अम्मा कहती मैं सिलवा देती हूँ बेटा घर में पहनने के लिए कपड़े, अब कपड़े सिलवाती, मैंने कहा अम्मा को घर में पहन लूं क्यों, तुम सब छोड़ो, नए कपड़े पहन के ट्यूशन जाती है, नए कपड़े पहन के ट्यूशन जाती है, ट्यूशन जाएगी ये फुल तैयार व्यार होकर ट्यूशन जाएगी, जैसे इसके टीचर इसको देखेंगी। टीचर एक कोई बात बोल रही थी, तुम्हारे भाई ने भी तो बदतमीजी की है ना, मैं भूल गई, तुम पराई हो क्या, भाई तो पराई है, तो क्या बदतमीजी की पा रही थी, फारिस जो आज से ज्यादा काम जो है ना यहाँ पे आयत ने करा है, हक की बात। खैर अभी रख देंगे ये लोग, और खैर अभी तो अभी तो मुझे बोलती है अल्लाह पाक मुझे कोई अच्छी बहन दे देती, कसम खुदा की मुझे देती अल्लाह पाक, मुझे देते अल्लाह पाक, मुझे देती क्या, मैं अच्छी नहीं हूँ, तुम ना शुक्री हो, तुम बहुत अच्छी हो फारिस, मेरी जिंदगी है, तुम मेरा सुकून हो, फारिस जहन्नुमी औरत है, जबरदस्त मैं सारे काम में खबरदार। आप लोगों को मैं बताऊं कि मैंने शूज कलेक्शन दिखा दी है, बट आज का व्लॉग पूरा नहीं है, क्योंकि मैं कल व्लॉग बनाऊंगी ऑलरेडी, इसलिए क्योंकि अभी मेरे सारे व्लॉग पोस्ट नहीं हो रहे, तो मुझे बहुत अच्छा मार्जिन मिला हुआ है दिनों का, तो अभी ये है कि मैं सो रही हूँ, और आपको बाकी भी लाभ मेरे कल मिलेंगे, मतलब ऐड हो जाएगा ना इसके अंदर। हाँ तो भाई बोल जा रही थी, और आप लोगों को पता है जिस दिन बोल जाना होता है उस दिन दिन में नाश्ता करने के बाद टाइम सिर्फ 2-3 घंटे का बचता है, तो अब ये है कि बोल जा रही हूँ, बोल से आके फिर देखते हैं कि क्या करना है, क्या सीन्स हैं। बाबा मेरी गाड़ी साफ कर रहे हैं। हे गाइस, तो आप लोगों को बताऊं कि मैं बोल से आ गई हूँ, लेकिन बोल जाते हुए मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, वहाँ पर भी कोई व्लॉग नहीं बनाया, वो मतलब मैं नहीं बनाती हूँ, कैमरा कितना गंदा है, तो मैं घर आ गई हूँ, और मेरे साथ ये नमूना भी है, आप लोगों को पता हमने भी पुलाव भी खाया, लेकिन मैंने फिर भी व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मूड नहीं था, हम लोग कितने भूखे थे ना, मैं तो नाश्ता करके गई थी, लेकिन भूख बहुत थी, और मेरी अम्मी से एक नोट कि प्लीज खाना अच्छा बनाया ताकि मैं खाऊं, मैं रोज बोलती मेरा दिल ही नहीं करता कुछ खाने का, क्यों कोई सॉल्यूशन बताया भाई। और जोहान का होठ फट गया यार, दिखाइएगा जरा, सुनाया मैंने जोहू
कहाँ लगी है आपको बे? ओए लो मेरे पेट। हमसे डर रहा है, तुमने नहलाया उसको? आज मैंने जो जुहान को रगड़ रगड़ के नहलाया, आप लोगों की सोच है। अच्छा दी, तो आप लोगों को बताऊं कि मम्मा की रिपोर्ट्स भी आ गई और हमारा भी रिपोर्ट्स देख रहा था डॉक्टर। तो हाँ, और आपको बताऊं, हमारा जो ना नर्स था पहले नर्स की ना मेल नर्सिंग की, क्या है मम्मा का? मैं क्या बुरी बात है, इतना डर रही हूं। और बात बता, मतलब उसके बाद बता, ये है कि वो बड़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड्स बड़े हुए, बीएलडीएल बड़ा हुआ। ये क्या होता है? इससे ही होता है कि जो उनका ब्लड फ्लो होता है ना, वो आर्टरीज वगैरह वो थोड़ा सा ठीक हो जाती है ना, तो ब्लड फ्लो हार्ट की तरफ सही नहीं जाता, जिससे हार्ट स्ट्रोक हार्ट अटैक वगैरह का मतलब थोड़ा चांस होता है। अपनी दादी के पास आ जाओ जोनी, जोनी पकड़ना नहीं कोई भी, जोनी आइए। फारिद ने चॉकलेट ला के दिया मुझे, जैनब को, ये क्यों रो रही है? ये बाप बाप की जगह बोल रही मुझे मदर डे विश क्यों कौन भाई क्या नीचे घुसी हुई बोल रही मुझे मदर डे विश क्यों नहीं करा? बाप भाई की जगह है, मेरे मेरे घर का मर्द है वो भी एक, कहां से इसको लो देखो भाभी की तकलीफ मुझे ज्यादा हुई है, ये भाभी को क्यों दिए? अपने पैसों का पूरा हिसाब रखती, कुछ लाके नहीं देते रो रही है, देखो सारा लिपस्टिक लगा के घूम रहा है। मदर्स डे, पारिस ने मुझे चॉकलेट दी, जैनब को दी, मम्मा को दी, क्योंकि आज मदर्स डे था। आयत ने बर्दाश्त करा जब मम्मा को याद कर, इट्स ओके मदर है मुझे दी, इट्स ओके आप ही मेरे लिए बहुत करती है। लेकिन जब जैनब को चॉकलेट फारिस ने दी, तो आयत का ये आलम है, ये रिएक्शन है, कैसे ये हॉटपॉट किसने खाना खाया था? आया टेंशन नहीं लो, फादर्स डे पे देगा। पैसे दो, दो पैसे गंदी आया था अपने फारिस को करके दिखा, छोड़ो मेरी चॉकलेट, छोड़ो छोड़ो हमें। हाँ, मुझे तो चॉकलेट देखी गई कि टूर पे जाऊँ।